Sheila, Sheila ki jawan. Jaan jaana, tumhe tujhe deewana. Tumhe roz aaye, aaj zindagi. Sheila, Sheila ki jawan. Jaldi bole. अब बताओ जल्दी बोले, जल्दबाजी नहीं, कुछ और सोच के बोलिए। ये बीसी करने की जरूरत नहीं है भाई, मेरे को जल्दी जल्दी। क्या सुंदर है यार, हाँ जबरदस्त भाई, जबरदस्त। अरे खाली खाली लग रहा है तो एक ये बोतल पकड़ लो मेरी। चलो भैया इधर पार्किंग में ना। तो जी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिलहाल निकल रहे हैं पदुम के अपने होटल से। आज सुबह सुबह ना मौसम थोड़ा सा खराब हो गया था, ऊपर शायद हल्की फुल्की स्नोफॉल भी हुई है। तो अभी अपनी गाड़ी के पार्किंग में चलते हैं, मतलब जहाँ पे गाड़ी लगाई थी। होटल वॉज ओके, खाना वाना ज़्यादा था नहीं, कुछ रात में कुछ ज़्यादा खाने को मंगाया नहीं, बट एटलीस्ट नहा वहा लिए और अच्छा था, फ्रेश हो गए। चलो पहले गाड़ी में सामान रखते हैं। हाफते लगे यार, क्या मिट्टी है यार, पूरी गाड़ी भी ना मिट्टी से सनी पड़ी है। आप सोच सकते हो एयर फिल्टर की क्या हालत हुई होगी। एसी फिल्टर एयर फिल्टर अपन एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं भाई। गाड़ी का गेट खोलते के साथ ही ना हाथ में पूरी की पूरी मिट्टी लग जा रही है। अब इसमें ना पानी डाल देते हैं, वाइपर फ्लूइड में पानी रहना चाहिए, हल्का शीशा साफ करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। बोला ही नहीं जा रहा यार। एंड दिस एंटायर ट्रिप हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय बूडमो.com, दे आर द बिगेस्ट स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट। आपको अपनी गाड़ी का कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए तो आप बूडमो से जाके अपने घर पे डायरेक्टली मंगा सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऑप्शन मिलते हैं, तो प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, प्लस दे हैव अ 10 डेज ऑफ अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी। सो गाड़ी के स्पेयर पार्ट के लिए बूडमो.com। इस गाड़ी के अंदर बाहर इतनी ज्यादा मिट्टी है ना, इतनी ज्यादा मिट्टी कि आप कितनी बार भी साफ कर लो ना भाई, वो साफ नहीं हो पाती। हर शीशा खोलते के साथ ही पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम ना मिट्टी मिट्टी से भर जाता है। अब ये ग्लॉसी ब्लैक के पास ना मिट्टी तो ज्यादा ही दिखती है यार। चलो कोई नहीं, ये तो डेली की मेहनत है। तो जी आज अपना प्लान ये है कि आज हम पदुम सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। यू नो पदुम एक इतना आउटस्कर्ट्स लोकेशन है ना कि यहाँ पे बार बार आना शायद पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम एक दिन यहाँ पे स्टे करेंगे। लास्ट टाइम भी जब हम पदुम आए थे, अगर आपने पिछला लद्दाख सीरीज फॉलो किया होगा, तो हम सुबह पदुम आए, यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और यहाँ से निकल गए थे। बट इस बार वो नहीं करने वाले, कुछ अच्छी अनएक्सप्लोर्ड जगह आपको दिखाएंगे। मिट्टी है आपकी गाड़ी में बहुत ज्यादा, हाँ पूरी गाड़ी भरी पड़ी है ना। सबसे पहले अपन फ्यूल स्टेशन से डीजल ले लेते हैं। चलिए, या डीजल आज नहीं भी लेंगे तो चलेगा, हाँ। जस्ट इन केस कल, हाँ कल सुबह ले लेंगे, हाँ, सुबह ले लेंगे। पहले सानी लेक डाल देता हूँ जीपीएस, आपको फॉलो करते हैं। हाँ, लेकिन पीछे एक गाड़ी लगा दी है और जो पेट में दिक्कत हो रखी है, खाली खाली जो घूम रहा पेट, उसमें तो कुछ डलवा दो पिछला व्लॉग आपने देखा तो आपको पता होगा कि भाई हमारी गाड़ी गई क्या भाई, क्या क्या क्या, सॉरी सॉरी आई मिस योर पॉइंट। बुरी हालत है ये, फोन पे पता नहीं किससे फोन पे लगे रहते हैं। बट नेटवर्क में हो नहीं आप मस्त। यहाँ लाइट आ रही है नहीं है, मैं एक लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं भैया। ये राइटिंग पता कैसी है, डॉक्टर जैसी, जो मैं खुद समझ सकता हूँ। तो फिर भी अच्छी है, मेरी तुमने देखी नहीं होगी फिर, हाँ तो फिर लेजेंड इधर बैठा हुआ है। लीगेंड अच्छा, लीगेंड प्लीज कंटिन्यू। हाँ मालिक, ऑर्डर दो मालिक, क्या लेंगे, क्या है तुम्हारे पास, जल्दी बोले। अब बताओ जल्दी बोले, बता तो रहे हैं। फ्रेंच टोस्ट कर दीजिए, फ्रेंच टोस्ट जल्दबाजी नहीं, कुछ और सोच के बोलिए। नहीं फ्रेंच टोस्ट ही चाहिए, हैं फ्रेंच टोस्ट ही चाहिए। स्पेलिंग एफ री ई एन जी फ्रेंच टोस्ट वन टोट एंड आई थिंक आई हैव ब्लैक कॉफी। ये बीसी करने की जरूरत नहीं है भाई, मेरे को जिंजर चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए भाई। अरे जिंजर पका ली ना आपने, हां टीम कर दिया, बस ठीक है, ब्लैक कॉफी, बस 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 फ्रेंच टोस्ट ही है मेरा, पक्का फ्रेंच टोस्ट। और कोई हेड मसाज वेड मसाज कुछ करा दे यार, पढ़ा लिखा है। अरे नहीं नहीं, ये भाई भी घूमने आया था, ये रह गया इसके पैसे का, तो पैसे लूट मारोगे यहाँ पे बेटा। इसने भी हमारे तरह फ्रेंच टोस्ट खाए थे। जिंजर लेमन टी मस्त है, सीरियसली मस्त है ना, मजा आ गया ना। हाँ और लेमन और जिंजर जितना पियो। ये क्या है, चॉकलेट पैनकेक, चॉकलेट पैनकेक्स एंड ये चॉकलेट मिल्क। आप तो चॉकलेटी बॉय हो रहे हैं। तो जी ये थी वो जगह
जहाँ पे अभी हम रुके थे, बहुत ही मस्त खाना यार, बहुत ही मस्त। एंड ये एक्चुअली अपने सब्सक्राइबर भी हैं, तो ये बेसिकली चौराहा है जांसकार का, मतलब पदुम का। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी, इस होटल में रुके थे। भैया ने कहा आगे एक अच्छा होटल है, तो शाम में वहाँ पे रुकने का प्लान है। अब आप इस ट्रिप पे देख रहे हो कि हम कितना ज्यादा इंटेंसिव ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अब इस ट्रैवलिंग के दौरान ना इतनी धूल मिट्टी, पूरा डस्ट, पूरी बाहर की धूल अंदर आ रही है, अपनी स्किन ना एकदम डल हो गई है। और क्योंकि मेरे को पहले से पता था कि अपने साथ इस ट्रिप पे यही होने वाला है, इसीलिए मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेट फेस क्रीम। दिस हैज गॉट द गुडनेस ऑफ विटामिन सी एंड टर्मरिक, which actually is rich in antioxidants, plus properly nourishes and moisturizes your skin. Plus, this is non-greasy and aapke skin mein easily absorb ho jata hai. And you don't have to worry about using it regularly because these are made safe certified. Matlab, koi bhi harmful chemicals, koi bhi toxin, koi bhi parabens nahi hai, to aapke skin ke liye safe hai. This also gives you an instant glow plus protect your skin from sun damage. Yahan pe pahadon pe na sun bahut harsh hota hai. Every time you purchase a product from Mamaearth official app ya website, your order get links to a tree and by year 2025 they are planning to plant 1 million trees. Plus Mamaearth ke baki product ki tarah ye product bhi Amazon, Nike, Flipkart har jagah available hai. बट अगर आप मामा अर्थ के ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से जाके कुछ परचेज करते हो, मेरा कूपन कोड विकास 2022 यूज करते हो, यू गेट एडिशनल 20% ऑफ। सारी चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड मामा अर्थ ऑफिशियल ऐप, बिकॉज सारे अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपको ऐप पे मिलते हैं सबसे पहले। आना इतना हड़बड़ा के खा लिया ना कि नींद आ रही है आपको? बहुत जोर से नींद आ रही है भाई। मेरे को भी ना ऐसे आंखें लग रही है ना कि मस्त होटल में जाओ। मौसम एकदम अच्छा हो गया, 15 डिग्री है फिलहाल। तो अभी 2-3 जगह एक्सप्लोर करने का प्लान है, पता नहीं अभी कहाँ एग्जैक्टली जा रहे हम, क्योंकि शिलालेख शिला थोड़ा सा ऑफ रोड हो गया, मेन रोड को छोड़ के। थार वाला भाई ऐसा तो नहीं कि बदला निकाल रहा है कल का? एक कल हमने इनको रेस में हरा दिया था। अच्छा वो वाला नया वाला, नया वाला पता नहीं नया है कि पुराना है। पानी देख रहे हो, पानी का कलर कितना मस्त लग रहा है ना। हाँ ऊपर से कितना सही आ रहा है, स्वाद डाल दिया पानी ने। और बड़े पत्थर देखो वहाँ पे जो पानी के बीच में गिरे हुए, ये भी गिरे होंगे। हाँ ऊपर से ही गिरे होंगे और क्या। एक बार में तो नहीं मुड़ेगी भैया अपनी गाड़ी। अच्छा ये देखा, अब समझ में आया कि मैं क्यों कहता था कि टायर फ्री हो गया। कैसे फ्री जा रहा है ये? हाँ क्योंकि हाईवे ट्रेन टायर है ना। थोड़ा आगे करो, हल्का सा आगे करो। ये दिक्कत है जो मैं कह रहा था ना, हाईवे ट्रेन टायर्स में क्या दिक्कत है। स्ट्रगल कर गई लेकिन गाड़ी, देखा ये टायर की वजह से। थार इज हैविंग अ फन है। थार यहाँ पे फन करेगी, थार के लिए रोड है। हाँ यहाँ वाटरफॉल तो कहीं नहीं है, दूर तक नहीं दिख रहा भाई। ये सही जा रहे हैं? पता नहीं, आके उतर के बोलना दे कैसा लगा मेरे में जैक। क्या है ना कि बहुत रास्ते ना आपको गूगल मैप पे दिखते ही नहीं है, मतलब वो है ही नहीं वो जगह, रोड ही नहीं दिखाते। तो लोकल से जहाँ भी है लोकल से पूछ के सुलझ भाई और आगे धर्मेंद्र भाई चल रहे हैं, बाकी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या कहना है इस पे आपका? हमारा काम तो फॉलो करना है। हाँ हम तो बस उनके पीछे पीछे चलते रहेंगे ऐसे ही, जस्ट रिलैक्स। शीला कहाँ है? शीला को ढूंढ रहे हैं भाई, मेरे लगता है शीला यही रहा। शीला शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, तेरे हाथ ना आनी। हम कुछ नहीं कर रहे भाई, हम उधर बैठ के ना भाई वही पूछ रहे हैं। मुंडे उतरेंगे वो सीधा भाई। हाँ, बता देना भाई, यही बाकी आज तो हमारा वॉकी टॉकी भी नहीं चल रहा। यही पार्किंग है भाई, यही पार्किंग भाई। लेकिन कहाँ दिख रहा है वहाँ पे? पानी तो गिरता दिख नहीं रहा। वाटरफॉल है, अभी फॉल नहीं हो रहा है, वाटर तो होगा।
तो शीला के नाम पे गाना ना गाया जाए क्योंकि यहाँ से हम भाग नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन बहुत कम है। ना ना ऐसे कोई पकड़ेगा नहीं। हाँ ग्लेशियर का पानी है। ओ ये सामने वाटरफॉल, ये देखो सामने वाटरफॉल। अरे वो सामने क्या जबरदस्त लग रहा है। कैमरा घुमाते हैं, रुक जाओ। नीचे चले गए थे उस साइड, हल्का सा ऊपर चढ़े ना सांस ही फूलने लगी। हाँ आप तो फिर भी जिम जाते हो। वो तो इंसान चलता तो सांस से ही हो। हाँ तो जी आगे हम वाटरफॉल पे, ये देखो मैसिव है यार, काफी बड़ा है ये, काफी बड़ा पानी ऊपर से आ रहा है और इतना हिडन है ना कि दो पहाड़ों के बीच से ऐसे इधर नीचे से ना पता भी नहीं चल रहा कि एक ऐसा वाटरफॉल है। लास्ट टाइम भी हम जांसकर आए थे बट यहाँ पे नहीं आ पाए थे। आज यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उन भैया ने बताया कि यहाँ पे आप जा सकते हो, काफ़ी अच्छा स्पॉट है और ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको। ऊपर क्या है, हाँ आ जाओ चलो। हाँ हम पूरा मेहनती है आराम से जोश ना, मैं तो ट्रैकिंग शूज पहन के आऊं। ओ क्या सुंदर है यार, जबरदस्त भाई जबरदस्त। शीला सुंदर होगी, आ जाओ आ जाओ धीरे धीरे। ओ भाई ओ ओ ओ टोपी वाले भाई, ओ टोपी वाले मजा आ रहा है, बहुत चोचक मजे आ रहे हैं यहाँ पे। हम तो गरीब आदमी हैं, कपड़े वपड़े लेके खड़े हैं, सेलिब्रिटीज लोग फोटो खिंचवा रहे हैं अपनी। आपने नहीं खिंचवाई अपनी फोटो? हमको 500 रुपए दिए हैं कपड़े पकड़ने के, और अगर 500 नहीं मिला तो इनकी हम वो तो हम इनकी तुई को पानी में गीला कर देंगे, ज्यादा बुरा तो नहीं कर पाएंगे। कपड़े लेके भाग जाओगे ना पानी? अरे भाई कपड़े तो पानी में मिलेंगे इनको, इधर ठंडे चिल्ड पानी। ठीक है वेट करते हैं 5 मिनट। ये तो पूरा डायरेक्टर बन गए और वहाँ पे अलग अलग पोज में ये सब चल रहा है, नंगड़ंग पोज। ओए नंगड़ंग पोज नहीं चलेगा। चलो जी अब यहाँ से निकलते सैनी लेक की तरफ। तो अभी तो क्या है ना कि अपने को उसी रास्ते पे वापस जाना पड़ेगा जिस पतले रास्ते से हम आए थे, और वहां से फिर अपने को आगे बढ़ेंगे। झूले ये जो इतने बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं ना, ये ऊपर से ना स्लाइड होके आके यहाँ पे रुके हुए हैं, या तो लैंडस्लाइड से, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये पत्थर ऐसे पड़े हुए हैं, खतरनाक ही है ना। देखो सामने जो पहाड़ है अलग ही कलर दिख रहा है ना, मस्त लग रहा है यार। ये जांसकर वैली बहुत खूबसूरत है ना, बहुत खूबसूरत। सामने जो बादल हैं भाई साहब क्या लग रहे हैं यार, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये हम ना मेन रोड पे आ गए, ये एक्चुअली जो रोड हम उस समय लिया ना वो कोई अलग रोड था और ये दूसरा रोड, ये एक्चुअली उससे ज्यादा अच्छा था क्योंकि उतना ऑफ रोड टाइप का नहीं था। बाकी गाड़ी एक जगह हमारी स्ट्रगल की थी, वो आप ऑलरेडी आपने देख लिया। ये देखो सामने मेन रोड पे आ गए, जो कारगिल वाला जो रास्ता है ना, क्या सुंदर है यार। ये लग रहा है कि जैसे ना एक पेंटिंग है और हम पेंटिंग में चल रहे हैं। हाँ ना 3D पेंटिंग टाइप का पेंटिंग है, अगल बगल 5D या 7D 8D 10D पेंटिंग है। हाँ 10D पेंटिंग के बीच में हम जो है घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं ऐसे बहुत सारे। एक नया ब्रिज ये भी बन रहा है देखो ना, बन रहा है भाई। नदी देखो टर्कवाइज ब्लू कलर, क्या सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। सुंदरता का प्रतीक है ये जांसकर वैली। हाँ और लोग बताओ यहाँ आते नहीं है? यही नहीं आते भाई, देखो बताओ लद्दाख का एक बहुत हिडन जेम है ये, हिडन जेम है बट अच्छा है ना, लोग ज्यादा आते नहीं है ना, तो ये भी खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वही कमर्शियलाइज हो जाएगा, हर जगह प्लास्टिक के बॉटल्स रैपर्स यही पड़े रहेंगे। देखो साला नेटवर्क नहीं है ना, तो आदमी आदमी से बात करते हैं, तो आदमी साला फोन माफी चाहते हैं, माफी हमें माफी देते हो, अब हम आपके साथ हैं बिल्कुल। अरे वाह यार, समझ रहे क्या मिस कर गया आपने? भाई 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 नजारों की बात कर रहे हैं, प्लीज भाई 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 भाई। देखो ये वाला एक रास्ता है ना जो हमें कल लेना है,
और ये हमें लिंगसेट की तरफ ले जाएगा। अच्छा। और ये रास्ता है जो हमें कारगिल की तरफ ले जा रहा है। तो अपना जो मॉनेस्ट्री है ना, इसी रास्ते में पड़ेगा, आपको रोड से ही अपने राइट हैंड साइड पे दिखेगा। बाकी सामने देखो गाइस, गजब नजारे भाई, गजब नजारे। ये क्या था भाई, ये झटका था दिया आपने। ये पतले है ना रास्ते, सामने देखो कितने तेज आ रहा है। अरे 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 अरे, ओ भाई साहब क्या तेज आ रहा है। बोलूंगा ए धरती ले, तुझे मेरा सलाम।